ये आपकी एग फूड ठीक है, ये पुदीना हो गया, चुकंदर इसी तरह क्रश किया होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पानी नहीं निकलना चाहिए इसमें। गाजर, गंदम थोड़ी है पर ओट्स ज़्यादा है इसमें, जो हलीम में डालते हैं ना हम, जो जिसे कहते हैं बगैर छिलके के, ये वो वाले हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने गंदम भी मिक्स की है, मतलब ना जो कल सुबह भिगो के रख देता हूँ आज सुबह जैसे मैंने यूज़ करनी है, फिर भिगोता हूँ इसे, वो नहीं करता मैं, बॉयल नहीं करता। ये आपके बॉयल्ड एग्स आगे, ठीक है। हल्दी, ये है सौंफ वगैरह, ये इसके मतलब मैं इंग्रेडिएंट जो भी होंगे ना वो साथ में शेयर कर दूँगा। ये एग फूड आ गई, कैल्सी लक्स, प्रोबीजाइम, प्रोबायोटिक जो है, ये हुई नेक्टोन बायोटिन आ गई फीडर ग्रोथ के लिए, होम्योपैडी। सबसे पहले मैं मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, जो मतलब जिनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, इसमें एग फूड डालता हूँ। इसके बाद ये अंडे के साथ मैंने एग फूड ले ली, और फिर इसमें जो भी मैंने विटामिन मतलब डालने हैं, जैसे नेक्सोन बायोटिन, प्रोबायोटिक, हल्दी, कैल्शियम, और ये आ गई होम्योपैडी। इन सारी चीजों को पहले मैं एग फूड के अंदर मिक्स कर लूंगा। और फिर अंडे को मतलब इनके अंदर मिक्स कर लूंगा। नमी नहीं होनी चाहिए आपकी एग फूड के अंदर ना, और इसके बाद ये जो पहले सारे मतलब जो सब्जियां वगैरह थी, ओट्स वगैरह थे, फिर इन सबको मिक्स कर देंगे। ये दानेदार है बिल्कुल ना, तो इसे अब बस ऐसे ही रख